Okay. माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वीडियोस क्यों नहीं मैं बना रही, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वो ना, मुझे सुस्ती चढ़ी हुई है। अच्छा, आज की वीडियो के टाइटल और थंबनेल से आपने अंदाज़ा आपको हो गया होगा कि मैं अपने बालों के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगी, क्योंकि मेरे बालों में थोड़ी सी वो कहते हैं ना, हिम्मत जान आ गई थी। तो मैंने कहा चलो भाई, अब इसके साथ को पंगे ले लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी बहन बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल बनती है। तो मैंने कहा चलो अपने बालों के साथ थोड़ा सा घर में ही को रहकर एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ न्यू करते हैं। अच्छा जी, तो न्यू ये है कि मैं अपने बालों को करने लगी हूँ अंदर अंदर से, कहीं कहीं से पर्पल कलर के, ठीक है? क्योंकि काफी अच्छे से ख्वाब था कि मैं अपने बालों को इसे रेड ये वो कलरफुल करूँ, फंकी कलर करूँ। तो मैंने कहा चलो छोड़ते हैं, पर्पल कलर करते हैं। तो उसके लिए मैं अलग कलेक्शन से सारा सामान, सारा मटीरियल लिया है, जो जो मुझे चाहिए होगा वो मैं आपको दिखा देती हूँ। वहाँ ले जाकर उसके बाद मैं अपनी ड्रेस चेंज करूँगी, और मैंने शावर भी लिया, तो मेरे बाल थोड़ा बिखरे बिखरे लग रहे हैं, इसको भी कॉम करती हूँ, और फिर मैं आपको वॉशरूम में जाकर मिलती हूँ। यहाँ नहीं करूँगी, यहाँ बहुत ज़्यादा मैस हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। अच्छा, तो ये है जी मेरा क्यूने का कलर, टिंटा कलर है, टिंटा कलर, और नंबर है जी इसका 7.77। और ये इसके साथ है जी 20 वॉल्यूम का डिवेल्पर, जो ये कलर और डिवेल्पर मिक्स हो जाएगा तो फिर कलर होगा। उससे पहले जो है ना, हमें अपने बालों को कट डाउन करना होगा, तो उसके लिए 40 वॉल्यूम, और उसके साथ ये कुछ आई थिंक पाउडर है, हाँ ब्लीच पाउडर है, इसको मिक्स करके तो फिर कट डाउन होगा। उसके साथ मैंने ये फॉइल पेपर भी रखे हुए हैं, और बस, तो बस इन चीज़ों को मिक्स करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्या होता है। आई एम वेरी स्केयर्ड। ओके, तो मैं आ गई हूँ अपने वॉशरूम में, और ये सारा सामान मैंने इकट्ठा कर लिया, फॉइल पेपर, कलर, डिवेल्पर, और ये बाउल इस तरह का आपके पास होना चाहिए। बली मैंने छोटी कंघी भी रख ली है, और एहतियातन मैंने इस तरह के छोटे, क्या कहते हैं इसको, कैचर, हाँ छोटी चुटकियाँ, यस, वो भी मैंने अपने पास रख ली हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम फिर इनको यूज़ कर लेंगे। तो बस, और ये मेरे सामने, यस। तो अभी हमने अपने कपड़े चेंज नहीं किए, वो मैं कर लेती हूँ और फिर मैं आपको मिलती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ मैंने अपनी टी शर्ट चेंज कर ली है। टी शर्ट बहुत ही कोई घिसी पिटी मुझे मिली थी, मेरी कबर्ड में पड़ी हुई थी, मैंने वही पहन ली, क्योंकि न्यू मैं अपनी ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये रफ़ी कोई भी निकाल के पहन ली है, क्योंकि कलर लगेगा और टी शर्ट जाहिर बात है ख़राब भी हो सकती है। अच्छा है, अभी हमने क्या करना है कि अपने बालों को, मैंने ऊपर वाले बालों पे कलर नहीं करना, सिर्फ ये जो नीचे नीचे मेरे बाल है ना, मैं इनको कलर करूंगी। तो ये जो मेरे ऊपर बाल है ना, इनको मैं सीक्वेंस से पकड़ के यहाँ पिनअप कर लूंगी, और नीचे की 3 4 5 जितनी भी लिटें पतली पतली निकलेंगी उनको निकाल के उनके ऊपर फिर मैं फॉइल पेपर लगा कर, तो मैं फिर आपको बताती हूँ कि क्या करना है बाकी। ठीक है, अभी मैं बनाने जा रही हूँ डिवेल पर कट डाउन के लिए, मिक्सिंग करने लगी चीज़ें, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे मिक्स करना है। डेवलपर के मैंने 3 ये वाले चम्मच यूज किए हैं, ठीक है? और इसके साथ हमने 3 है ना, तो हमने इसकी हाफ क्वांटिटी इसके साथ जो इसका ब्लॉन्ड पाउडर होता है, क्रीम होती है, वो मिक्स करनी है। अच्छा, 3 टेबलस्पून इसके हो गए, और इसका हम 3 से हाफ रखेंगे, तो वो होगा 1 और हाफ टेबल इसका। अच्छा, पहले जो ना ब्लू सा कलर आता था, लेकिन अब जबकि तुमने कलर चेंज किया ना, तो वो ये वाला कलर है, वाइट पाउडर में आ रहा है। तो ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर रेडी हो गया है, लेकिन हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और अच्छे अच्छे से मिक्स करेंगे, इतना बहुत है। और अच्छा जी, तो यहाँ मैं अपने बालों को कट डाउन करने लगी हूँ। तो बालों का कट डाउन करने के लिए आपकी अपनी मर्ज़ी, आपने कहाँ कलर करना है, मतलब ज़्यादा ऊपर से बाल पकड़ने या नीचे से करना है। मुझे ज़रा नीचे नीचे बालों में कलर चाहिए था, और इसलिए मैंने नीचे से अंदर से बाल अपनी मर्ज़ी से पकड़े, छोटी पतली पतली लेटें निकाल लें, उनके ऊपर जो आपने कट डाउन के लिए अपना मटीरियल रेडी किया है वो अच्छे से आपने अप्लाई करना है। उसके बाद आपने इसको फॉइल पेपर पर कवर करके 45 से 50 मिनट तक छोड़ देना है। यहाँ मैं खुद लगी हुई थी तो ये काम बहुत मुश्किल लग रहा था, अगर मैं किसी और का करती तो ईजी था, और अगर मेरे साथ कोई एज अ मेरी हेल्प करता तब भी ये काम ईजी था, खुद करना बहुत मुश्किल लग रहा था। अच्छा जी, तो यहाँ मैंने 4 यहाँ लगा लिया, 4 मैंने यहाँ लगा लिया, बहुत टाइम लग गया, मेरी बस हो गई है। और यहाँ जो बाकी मेरे बाल थे वहाँ मैंने उनको छोटी छोटी सी चुटिया कर लिए, बाकी ऊपर वाले ऊपर ही हैं, ठीक है? और अब पता नहीं मुझे कितना टाइम लगेगा, 45 मिनट बाद जो है ना वो आपको ये उतार के वॉश करने पड़ते हैं। इतना मुश्किल लगा है ना मुझे ये करने में, और जो इससे अगला स्टेप होगा वो बहुत मुश्किल है, उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो मुझे नहीं पता कि मैं अभी कर पाऊंगी या बाकी का काम सुबह करूंगी, क्योंकि मेरी तो हो गई है जी बस। और सर्दी भी लग रही थी इसलिए मैंने यहाँ पे ऊपर स्वेटर पहन लिया है, और वॉशरूम में तो आपको पता है कि वैसे भी
बहुत सर्दी होती है। अच्छा जी, तो अब देखते हैं कि इनका कलर उतरता है या नहीं उतरता, या पता नहीं क्या होता है। तो बस फिर अब आपको मिलती हूँ मैं 45 मिनट्स बाद। अच्छा जी, तो मुझे हो गए 45 मिनट्स और मैंने ये चेक किया है तो बालों का कलर जो है ना वो गोल्डन कलर का मतलब हो चुका हुआ है, मतलब कट डाउन हो गया। अब मेरे पास दो स्पंज है जिनको मैं गीला करूंगी और फिर पूरे बाल नहीं गीले करने, सिर्फ ये वाले जो हाँ मैंने लगाए हैं ना फॉइल पेपर, इनको इनका ऊपर से कलर थोड़ा सा रिमूव करना, वॉश करना, फिर इसके ऊपर हम कलर अप्लाई करेंगे। अभी मैं ये रिमूव करती हूँ और फिर आपको मैं बताती हूँ कि क्या करना है। जी, तो ये वाले देखें, ये वाला एक लगा हुआ है अभी तक क्योंकि ये मैंने लास्ट में लगाया था, तो ये मैं अभी थोड़ी देर बाद रिमूव करूंगी। अच्छा, ये जो मैंने लगाया था ना, आपको कलर अगर लाइट में नजर आ रहा होगा तो ये देखें, ये मैंने बिल्कुल इसको फॉइल उतार के वॉश करके ड्राई करके कॉम भी कर लिया और ये कुछ कलर इस तरह का है। नॉट बैड, बहुत अच्छा कलर आया है, मेरी सोच से ज्यादा ही अच्छा आ गया। मुझे लगा था कि खराब हो जाएंगे लेकिन नो, बहुत मजे के कलर आया। मुझे तो पर्पल करने का दिल ही नहीं कर रहा, लेकिन मैंने, आप देख रहे होंगे कि मैंने रूट्स पे नहीं लगाया, मैंने सिर्फ इसको नीचे नीचे रख के लगाया। रूट्स तक जाता तो फिर वो बालों को नुकसान देना था। तो ये देखें, ये कलर आया बालों में। तो अब हमारा स्टेप नंबर 2, जो कि हम कलर ये और ये Developer 20 के साथ अब कलर बनाएंगे और फिर इन बालों को करेंगे और फिर फॉइल पेपर लगाएंगे और 20 to 25 मिनट रहने देंगे, उसके बाद वॉश करेंगे और हमारे बाल पर्पल हो जाएंगे। तो ये हम लास्ट में भी कर लेंगे, लेकिन खैर अब हम इनके ऊपर वर्क करते हैं। तो फिर बस शुरू करते हैं जी। तो अब हमारा स्टेप नंबर 2, में हमने अब कलर और डिवेल्पर को मिक्स करना है। जितनी क्वांटिटी में हम ये कलर लेंगे उतनी क्वांटिटी में हम डिवेल्पर डालेंगे, ठीक है। मैंने ग्लव्स पहन लिए और ये कलर आप देख सकते हैं थोड़ा सा पर्पलिश में हो गया, ठीक है। अब मैं अपने हाथों से ही करूंगी, मुझे ना ब्रश की वजह से मजा नहीं आ रहा था। तो अब हम कलर अपना यूज कर। अच्छा जी, तो अब आप आगे जाके वीडियो में देखेंगे, आपको इसका फाइनल लुक मैं दिखाऊंगी। जैसा कलर मैं सोच रही थी ना, वो फंकी पर्पल कलर, वैसा बिल्कुल नहीं आया। मुझे नहीं पता क्यों नहीं आया, लेकिन मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। इतनी मेहनत भी लगी, इतना पैसा भी मेरा ज़ाया हो गया। अच्छा जी, तो यहाँ मैंने पर्पल कलर लगा लिया और ये मेरे आप हाथों के हाल देख लें। अभी मैंने ग्लव्स पहने हुए थे और ये देखें, ये मैंने बस लगा लिया, मुझे नहीं पता अब क्या होगा। तो बस अब मिलती हूँ मैं आपको इस सब के साथ, फाइनल लुक के साथ मिलूंगी कि कलर क्या आता है और क्या नहीं आता, ठीक है। और वेलकम बैक, अब आप देख रहे हैं कि रात से दिन हो गया हुआ है और मैंने सोचा कि डे लाइट में आपको अपने बालों का कलर दिखा दूं कि कौन सा कलर आया। रात को तो इतना शो नहीं हो रहा था। और अब ये देखें, ये वाला कलर आया, मतलब जहां जहां मैंने फॉइल पेपर लगा के कलर किया था ना, तो ये कलर आया। पीछे भी कुछ नीचे बालों में भी थोड़ा सा पिंकिश रेडिश में चला गया, पता नहीं क्यों। मैं तो वो पर्पल सोच कर लेकर आई थी कि वो फंकी कलर आएगा, लेकिन फंकी कलर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ठीक है, ये भी बुरा नहीं लग रहा, ठीक है, कम आया, लेकिन इट्स ओके। अब वो पर्पल टोन में क्यों नहीं गया, इसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। इग्नोर माई नेल्स और हाथ, क्योंकि नेल्स के अंदर कलर चला गया तो वो अब टाइम लगेगा उतरने में, लेकिन थोड़े से पर्पल नहीं लग रहे हैं मेरे। अच्छा जी, और बस मेरा दिल कर रहा था, मैंने कर लिया। बाल मैंने स्ट्रेट इसलिए नहीं किए क्योंकि मेरे रात को इतने केमिकल लगाए थे बालों में, तो वो बाल मेरे इतने उतर गए थे। फिर मैंने सोचा कि यार हीट से थोड़ा अवॉइड करती हूँ, फिर किसी दिन आपको स्ट्रेट करके बाल दिखा दूंगी। अब तो यही रहेंगे जब तक रहेंगे। अब मैं मज़ीद इसके ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही क्योंकि बहुत बाल उतर गए हैं। अगर आप लोगों के भी बाल बहुत ज़्यादा वीक हैं तो फिर मैं आपको बोलूँगी कि घर में या सैलून में इस तरह के एक्सपेरिमेंट मत करें जब तक आपके बालों में वो एक स्ट्रांगनेस नहीं आ जाती। अच्छा जी, तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो दिल में आता है अच्छा अच्छा वो करें, वो काम ना करें जिससे किसी का दिल दुखे। बस मेरा दिल कर रहा था ये करने को तो मैंने कर लिया, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जो दिल में अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं वो कर लिया करें, क्योंकि ये ज़िंदगी छोटी सी है, गुजर जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। बस मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।